Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to study the fourth chapter of science, which is sorting materials into groups. In the first chapter, we studied that food is made up of varieties of ingredients, like from ingredient 1, ingredient 2 and ingredient 3. तो फर्स्ट चैप्टर में हम सब ये पढ़े कि एक फूड या फिर एक फूड आइटम बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं. सेम इन द थर्ड चैप्टर वी स्टडीड दैट क्लोथ इज मेड अप ऑफ फैब्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ यार्न्स एंड आफ्टर दैट विच इज मेड अप फ्रॉम फाइबर्स. ओके, वैसे ही हमने थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा कि क्लोथ किस चीज से बनता है, फैब्रिक से बनता है, और फैब्रिक किस से बनता है, यार्न से, और यार्न किस से बनता है, फाइबर्स से. So same, similarly from those first chapter and third chapter, in this chapter object is also made up of varieties of materials. Okay? वैसे ही हमारे चारों ओर जितने भी objects हमें देखने को मिलते हैं वो सब भी बहुत सारे materials से बने हुए होते हैं. So what is object? An object is a thing that is made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. तो object क्या है? Object एक चीज है जो बहुत एक या फिर बहुत सारे materials से बने हुए होते हैं. तो ये materials क्या है, क्या क्या होते हैं, जैसे कि glass, मतलब कांच, metals, plastics, wood, cotton, paper, mud या फिर soil. So here, what are materials? Materials is what an object is made up of. तो materials क्या होते हैं? Materials वही होता है जिससे कि एक object को बनाया जाता है. Okay? So different objects are found around us, such as table, chairs, blackboards, utensils, clothes, doors, cards, pen, pencil, books, etc. So students, हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. एक्चुअली चारों ओर हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी सी अराउंड अस. ओके, सो हियर एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन मटेरियल इज नोन एज चेयर. ओके, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लें तो फिर सिर्फ जो ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एक ही मटेरियल से बना हुआ है वो क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है या फिर कोई और भी चीज हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे चेयर सिर्फ वुड से ही बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर, और मटेरियल क्या है, वुड, जस्ट वन मटेरियल. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स. तो ऑब्जेक्ट वैसे ही बहुत सारे मटेरियल से भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पेंसिल. पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, ग्रेफाइट एंड मेटल. तो पेंसिल किस चीज़ से बने हुए होते हैं, वुड से होते हैं, ग्रेफाइट यूज़ होता है, जो इसके लीड होते हैं वो ग्रेफाइट से बने हुए होते हैं, और मेटल से भी बनते हैं. ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स एक मटेरियल से भी बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी बन सकता है. सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, सो हियर देयर आर सम नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ. ठीक है, तो जैसे कि टेबल्स और चेयर्स, सो मटेरियल्स नीडेड टू मेक टेबल एंड चेयर इज वुड, प्लास्टिक और आयरन. सेम टॉयज इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड पेपर. सिमिलरली शूज इज मेड अप ऑफ लेदर, क्लोथ्स वेर मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, नायलन. ओके, टम्बलर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास. सिमिलरली यूटेंसिल्स आर मेड वेर मेक बाय प्लास्टिक, आयरन, aluminium and steel, and pen is made from plastic and metal. Okay, so यहाँ पे कुछ objects के नाम है जो कौन कौन से material से बने हुए होते हैं. ठीक है, so a given material could be used to make a large number of objects. तो एक material अगर आपको दिया है तो वो उस material से ही बहुत सारे objects बन सकते हैं. ठीक है, जैसे कि wood. Wood से क्या क्या बन सकता है, चेयर, टेबल, बेड, डोर, एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज वुड से बन सकते हैं. पेपर, पेपर से क्या बन सकता है, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पेपर बैग्स, एक्सेट्रा, लेदर बैग्स, शूज, जैकेट्स, एक्सेट्रा. प्लास्टिक, बॉटल, टॉयज, बकेट्स, कॉटन, क्लोथ्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, स्टील्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, ग्लास, मिरर, जार्स, एक्सेट्रा. सो एक ही ऑब्जेक्ट्स, तो एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू शुड थिंक दैट व्हाई अ विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास और वुड. तो एक
एक जब लोग खिड़की बनाते हैं वो या फिर वुड का या फिर ग्लास का क्यों बनता है, क्यों क्लोथ का नहीं बना सकते हैं? सेम हियर, व्हाई अ कप इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और क्ले नॉट ऑफ क्लोथ? सिमिलरली अगर हम लोग कप बनाते हैं तो फिर हम लोग उसको प्लास्टिक का ही क्यों बनाते हैं या फिर कोई मिट्टी का या फिर क्ले का क्यों ही बनाते हैं? कपड़े का भी तो हो सकता है, isn't it? So why a chair or table is made from wood or plastic, not with paper? So वैसे ही चेयर और टेबल क्यों वुड से बनाया हुआ है या फिर क्यों प्लास्टिक से बनाया हुआ है, क्यों पेपर से नहीं बनाया गया है? So let's find out the questions of this. Let's find out the answers of these questions. Okay? So materials are classified based on similarities in their properties. So materials generally किस तरीके से डिवाइड किया हुआ होता है, क्लासीफाई किस तरह से किया हुआ होता है, किस तरह से बांटा गया होता है, उनके प्रॉपर्टीज मतलब उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हैं क्या है, तो उनके प्रॉपर्टीज पे ये बेस्ड किया हुआ होता है. सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो उनका जो मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज है उन पे बेस करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है. सो प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? द फर्स्ट वन इज अपीयरेंस, सेकेंड वन इज हार्डनेस, थर्ड इज सॉल्युबिलिटी, फोर्थ इज फ्लोट और सिंक, द फिफ्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. तो दीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके, एंड इन डिटेल्स. सो ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर. सो सारे सब्सटेंसेस जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं सारे किस चीज से बने हुए होते हैं? मैटर से. तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज टर्म्ड एज मैटर. तो जो भी चीज जो एक स्पेस मतलब एक जगह ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ एक वेट परसेंटेज मतलब कोई मास होता है या फिर वेट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? मैटर बोलते हैं. सो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. तो हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं. सो एट फर्स्ट द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो यही मटेरियल सबसे पहले तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड किए गए हैं. तो वो क्या है? एक मैटर है तो उनको तीन ग्रुप्स में बांटे गए हैं, ठीक है. तो क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये मैटर्स हम लोग को क्या क्या मिलता है? या फिर सॉलिड के रूप में मिलता है मतलब सॉलिड के रूप में मिलता है, या फिर लिक्विड के रूप में मिलता है, या फिर गैस के रूप में मिलता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. तो सॉलिड क्या है? उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है, और जो वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है मतलब वो उसमें हम लोग प्रेशर डाल के उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब वो प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो नहीं कर सकते उसमें. और जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड मतलब वो सॉलिड जिस पार्टिकल्स जिस चीज़ से बनाया हुआ होता है तो वो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है तो वो हमेशा बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है उतनी आसानी से, ठीक है. सेम लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड इनटू इट. तो लिक्विड का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता है, और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है लेकिन पर्टिकुलर शेप कोई नहीं होता है लिक्विड का, ठीक है. अब देखेंगे पानी का तो कोई शेप नहीं होता है, अगर उसको किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर का शेप में ले लेगा मतलब उसमें आराम से वो फिट हो जाएगा. सो सेम ईयर उसका वॉल्यूम होता है लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता है. तो इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, तो उसको कंप्रेस किया जाता है. पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स, और इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं क्योंकि ये चारों ओर फैल जाते हैं. Similarly, gas has no definite shape and volume. कोई भी gas, like which we are taking, like wherever gas is this, so it doesn't have definite shape and volume. तो उसका definite कोई shape भी नहीं होता है और कोई volume भी नहीं होता है, वो highly compressible होता है, उसको हम लोग compress कर सकते हैं मतलब एक ही जगह में उसको दबा के रख सकते हैं. So particles are very loosely packed. तो उनके जो particles है वो बहुत loosely packed होते हैं, ठीक है. I hope you all understood the details about solid, liquid and gases. Okay? Now the first property which we are going to study in details is appearance. Like how the materials or object appearance depends on their capacity. Okay? तो कैसे appearance बहुत मायने रखता है कोई भी object और कोई भी material के लिए, ठीक है. Materials can be classified on the basis of how they look or appear to be.
तो मटेरियल्स जनरली किस चीज़ पे क्लासिफाई किया हुआ है, कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो दिखते हैं और कैसे वो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इन द प्रॉपर्टी ऑफ अपीयरेंस देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज पॉलिशिंग। ओके, सो हम लोग पॉलिशिंग एक अपीयरेंस का एक बहुत बड़ा फंक्शन, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो लाइक मेटल पॉलिशिंग एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू मेटल सर्फेसिस बिकॉज इट स्टॉप्स ऑक्सीडेशन। तो जो मेटल पॉलिशिंग एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है, जिससे कि कोई भी मेटल, मतलब जैसे कि कोई भी आयरन जैसे इज अ मेटल, कॉपर वेर एज एनीथिंग एल्स विच इज एवरी मेटल नीड्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, ताकि वो लेयर हमें लेयर में, जैसे कि आयरन में एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे और उसमें जंग ना लगे। तो इसी को बोला जाता है पॉलिशिंग। इट इज़ अ मेथड टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल सरफेसेस एज दे आर मच लेस लाइकली टू वेयर और कोरोड। तो ये क्यों किया जाता है, वो जो भी मेटल है उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और वो जो मेटल सरफेस है उसका टेक्सचर, मतलब उसका लुक अपीयरेंस अच्छा करने के लिए और उसको ताकि उसमें कोरोड, मतलब उसमें जंग ना लगे, कम लगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। तो अपीयरेंस इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ओके, तो ये अपीयरेंस दोनों, दो टाइप के अपीयरेंस, मतलब दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, दोनों तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज लस्ट्रस एंड द सेकेंड वन इज नॉन लस्ट्रस। तो व्हाट डू यू मीन बाई लस्ट्रस? सो सम मटेरियल्स हैव अ स्पेशल साइन ऑन देम एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एज लस्ट्रस। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें शाइनिंग कैपेसिटी होता है, मतलब वो मटेरियल्स को अगर आप देखें तो उसमें से शाइन करता है वो, तो वो जो मटेरियल्स शाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? लस्ट्रस मटेरियल्स। ओके, तो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो लस्ट्रस मटेरियल्स होते हैं ज़्यादातर वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच आर लस्टर्स। ओके, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, वी देयरफॉर नोटिस लस्ट्रस अपीयरेंस ऑन देयर फ्रेश कट। तो कोई मेटल्स ऐसे होते हैं जब हम लोग उसको पहली बार कट करते हैं या फिर पहली बार उसको कुछ उस मेटल से कुछ बनाते हैं, तो पहले जब वो कट करते हैं वो जो फ्रेश होता है तो तब वो लस्ट्रस होगा, मतलब तब वो शाइन करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो डल हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, तो उसका वो शाइन तब चला जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स? सम मटेरियल्स डू नॉट हैव शाइन एंड देयरफॉर आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस। तो कुछ मटेरियल्स में कोई शाइन नहीं करता है और उसी को बोला जाता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर वुड, ग्रेफाइट, रबर। ओके, सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गोल्ड विच इज अ मेटल एंड इज अ लस्ट्रस मेटल, गोल्ड फ्रेम, ब्रोंज, सिल्वर कटलरी। ओके, सो दीज ऑल आर मेटल्स विच आर लस्टर एंड दीज आर रबर्स एंड वुड विच आर नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड हार्डनेस। तो एक मटीरियल कितना हार्ड है, कितना वो कंप्रेस हो सकता है, कितना वो टफ है, वही है ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वही है। सो मटेरियल्स कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। तो मटेरियल्स को हार्डनेस के कंपेरिजन भी हम लोग क्लासीफाई, मतलब बांट सकते हैं, जैसे कि और इट इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड टफनेस। तो एक इसमें टर्म है टफनेस। तो टफनेस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू विदस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इट इज टर्म्ड एज टफनेस। तो एक मटेरियल जो भी है उसको हम लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, जब वो नहीं टूटता है हमसे, तो यही बताता है कि वो उस मटेरियल का टफनेस कितना है, मतलब वो कितना टफ है, कितना हार्ड है। और मटेरियल विथ हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी विल हैव मोर टफनेस देन अ मटेरियल विथ लो स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी। तो एक मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और डक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टफ है, और जो मटेरियल जिसका स्ट्रेंथ लो है लेकिन डक्टिलिटी हाई है लेकिन वो ज़्यादा टफ नहीं है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हार्डनेस। तो क्लासिफिकेशन हार्डनेस के हिसाब से भी हम लोग दो ग्रुप में बांटा गया है एक मटेरियल्स को, जैसे कि सॉफ्ट एंड हार्ड।
So materials that can be compressed or deformed easily as referred to as soft substances. जो materials जल्दी compress हो जाते हैं, मतलब उसको जल्दी हम लोग दबा सकते हैं, उसमें कोई भी stress डाल सकते हैं, और अलग deformed हो जाते हैं, मतलब उसका shape जो है वो भी change होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? Soft substances. Okay, जैसे कि example क्या है? Cotton, sponge, rubber, wool. अगर इसमें हम लोग कोई भी स्ट्रेस दे, कोई भी फोर्स लगाएं और ये बदल जाएगा, इसका शेप एंड साइज भी बदल जाएगा, ठीक है. सिमिलरली हार्ड, व्हाट आर द हार्ड मटेरियल्स? द मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू बेंड और कंप्रेस एंड आर टर्म्ड एज हार्ड सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल आयरन, वुल, स्टोन, ग्लास एक्सेट्रा. जो मटेरियल्स को हम लोग बेंड नहीं कर सकते और उसमें कोई फोर्स स्ट्रेस डाल के हम लोग उसको कुछ उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, उन्हीं को क्या बोला जाता है? हार्ड सब्सटेंसेस. तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आयरन, वुड, स्टोन, ग्लास एक्सेट्रा. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टोन विच आर हार्ड सब्सटेंसेस लाइक स्टोन, आयरन एंड वुड. दीज आर हार्ड, वी कांट कंप्रेस इट. ओके, and these are cotton, rubber and sponge which are very soft and we can compress it and deformed easily. Okay, so students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Okay, till then do all the notes in your fair copy. जो जितने भी notes यहाँ पे दिए गए हैं आपको, आप अपने fair copy में उसको अच्छे से लिख लीजिए और all learn all the notes and read the chapter thoroughly. जहाँ तक आज पढ़ाया गया है उसका जो नोट्स है आप उसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, और जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़िए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टडी दिस चैप्टर. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वट एवर द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स which helps us in the functions in our daily lives, and also we can see it around us. Okay, thank you students, we will soon meet with the remaining part of this chapter in the next class.